उत्तरकाशी जिले में गुरुवार को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की महारैली के दौरान हंगामा हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और इस बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकजुट होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभा और जुलूस प्रदर्शन के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। धारा 163 के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने या शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोक शांति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। हाँ, ये रैली थी, इनको एक रूट दिया गया था प्रशासन की तरफ से और एक समय दिया गया था, उस समय पे उनको चलना था। तो इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएं, तो वहाँ पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दी है। देख रहे हैं, फिर वीडियोज देखे जा रहे हैं कौन कौन लोग थे, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की। 11 से 12 बजे इनको रैली निकालनी थी, क्योंकि आज हमारे जिले में एग्जाम भी चल रहा था और चारधाम हमारी चली रही है, तो थोड़ा ये लोग इनका विलम्ब हुआ। कोई बार में विलम्ब होते रहता था। फिर ये लोग अपने रूट में आए और सिविल चौक के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि उस रूट से आगे इनको अनुमति नहीं थी, इनका रूट अलग था। तो बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े जिहादियों द्वारा, मुसलमानों द्वारा। तो फिर निश्चित रूप से फिर बाजार फिर कल फिर बंद किया जाए, फिर अनिश्चितकाल बंद की बात होगी। फिर ये मन स्पष्ट कर दिया, शासन को बोल दिया, उनके लोगों को बोल दिया, उनके एलआई को जो तंत्र तमंत्र जो है उनको सबको कह दिया कि कल किसी भी कीमत से नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। भाई तुम्हारे हमारे धारा 144 हमें तुम डंडे मारो और उनको नमाज अदा करने को बताइए। हमारे देवता बताइए, क्या देवता, क्या नाम है? हाँ, कंडार देवता बताओ। मतलब हमारा लोकल देवता, हम कंडार देवता के दर्शन ना करें और मुसलमानों को तुम उसी जगह पर नमाज जब अदा करने दो, तो ये शासन की बिल्कुल सौतेलापन होगा और ऐसे शासन का फिर उखाड़ फेंकना होगा।